सुल्तानपुर की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा इस बार कोरोना महामारी के चलते फीकी रही। हर बार जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु नगर के साथ सज्जा और पंडाल में सजी माता की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए आते थे, वहीं इस बार वहां सन्नाटा पाया गया। फिलहाल विजयदशमी के 5 दिन बाद आज इन प्रतिमाओं का विसर्जन होने जा रहा है। इस दौरान नगर के चौक पहुंचे जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और SP शिवहरि मीणा ने रथ खींचकर विसर्जन यात्रा की शुरुआत की। वैसे तो हर बार इन मूर्तियों के विसर्जन में 36 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, लेकिन इस बार जल्द ही माता की प्रतिमाओं के विसर्जन होने की संभावना है। सर, सर। कितना चैलेंज और क्या व्यवस्थाएं की गई? आपको बता दें कि जो पूरा रूट है वो 2 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें हमारे सुपर जोनल मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं। लगभग 500 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जो हमारी केंद्रीय पूजा समिति है उनके सभी पदाधिकारियों से अनुरोध भी किया गया कि अपने वॉलेंटियर्स लगाएं, उनका हमें सहयोग निरंतर इसमें मिला है। तो निश्चित रूप से माता भगवती भवानी के आशीर्वाद से ये जो विसर्जन का कार्यक्रम वो सकुशल रूप से संपन्न होगा। सभी को ये सभी समस्त त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। व्यवस्थाएं की गई घाट से लेकर यहाँ तक? ये यहाँ का सुल्तानपुर की परंपरा रही है कि विजयदशमी के 5 दिन बाद पूर्णिमा पर विसर्जन होता है, इसी के क्रम में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि पूर्व में ये कार्यक्रम और भव्य होता था, मुझे पूरी कामना है हमारी कि भविष्य में भी इसी प्रकार से भव्य होता रहे। इस बार कोविड प्रोटोकॉल में थोड़ी प्रतिमाएँ छोटी हैं और कुछ हमने भीड़ पे भी नियंत्रण किया है, लोगों ने बहुत सहयोग किया है। आज भी आप देख सकते हैं ज़्यादा लोग मास्क लगा के हैं और यहाँ के बाद से लोगों ने भी जो अन्य छोटी मूर्तियाँ हैं उनके परेड किया था। इस बार हमने अनुरोध किया, लोगों ने माना भी है कि अपना अपना अलग अलग करके, और जो हमारा सीताकुंड घाट है वहाँ पर अच्छे से सफाई कराई गई है, लाइटिंग व्यवस्था कराई गई है, कुंड को खुदवा करके उसको साफ करवा करके जाल वगैरह से, और लगातार उसमें पानी की पंपिंग और एग्जिट की जा रही है ताकि एक साफ वातावरण में विसर्जन का कार्यक्रम हो सके। सुल्तानपुर से KKR न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा उपचुनाव 376 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज सिंह के चुनावी प्रचार में BJP पार्टी के दिग्गजों ने डेरा डाला। लगातार 5 दिनों से केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे और अपने कार्यों की गुणवत्ता को बताते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडों का अत्याचार बढ़ गया था, गुंडा माफियाओं को संरक्षण देती थी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश सरकार गुंडा माफिया विकास प्रदेश बनाने में लगातार कोशिश कर रही है और उन्होंने कहा कि अगर मल्हनी विधानसभा से सीट जीती तो 100 साल में विगत कार्यों की विवेचना करते हुए मल्हनी में विकास कार्यों को तेजी से बढ़ा दिया जाएगा। आज के अवसर पर भाइयों बहनों, इसी एक गरीब किसान नौजवान के बेटे को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच उतारा है। मनोज कुमार सिंह जी एक छात्र नेता रहे हैं, सीधे साधे जनता से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, निस्वार्थ भाव के साथ जनता के हितों के लिए कार्य करने वाले। और मैं मल्हनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से इस बारे में अपील करूंगा, जनता के हित के लिए ईमानदारी से कार्य करने वाले लोगों को समर्थन मिलना ही चाहिए। और ये जनता की पीड़ा को जानते हैं, किसानों की पीड़ा को जानते हैं, नौजवानों की पीड़ा को जानते हैं और नौजवानों और किसानों की पीड़ा के साथ आपके साथ सहभागी बनने के लिए जितनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना भारतीय जनता पार्टी और पार्टी है जिसमें बूथ का एक कार्यकर्ता विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है, ताकि में संभव है। जौनपुर से KKR न्यूज संवाददाता निसार अहमद की रिपोर्ट।
ताज नगरी आगरा में आज बेखौफ बदमाशों ने थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर पैदल जा रही एक महिला को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर एसपी सिटी समेत तमाम फोर्स पहुंच गया। एसपी सिटी के अनुसार महिला की पहचान हो गई है और टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की जा रही, जिसमें प्रथम दृष्टया यह मामला रंजिशन हत्या का नजर आ रहा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अपराधियों की पकड़ के प्रयास शुरू कर दिए गए। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की सहायता ली जा रही है। जल्द ही अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कैसे हत्या हुई, क्या जानकारी मिली? देखिए, थाना पुलिस को एक अभी फोन आया था जिसमें ये बताया गया था कि अबुलाला की दरगाह के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। मौके पे समस्त थाना पुलिस अधिकारी सब पहुंचे हुए थे। महिला के जो पर्स है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इनकी पहचान उसमें रानी के नाम से अभी हुई है, नाई की मंडी की रहने वाली है। अबुलाला के दरगाह के पास जो लोगों का कहना है उसमें कुछ लोग आके इनको गोली मार के यहाँ से चले गए हैं। हम लोग अभी कुछ टीमों का इसमें गठन न करेंगे और सीसीटीवी का एनालिसिस न करते हुए और बाकी डिटेल्स लेते हुए जो भी इसमें कृत्य जिसने कारित किया है उस पर जरूर पहुंचेंगे। क्या ये पता चला कि कितने लोग थे इस घटना में? देखिए, अभी न कुछ क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का न कहना कि एक बाइक थी, दो बाइक थे, अलग अलग कहना। उसमें सीसीटीवी का जब एनालिसिस करेंगे, अन्य जो साक्ष्य संकलन करेंगे उसकी चीजें पता चलेंगी। बॉडी को अभी पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट।